नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम इन द वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। आज जो वीडियो है वो बेस्ड है एडवर्स ड्रग रिएक्शन पार्ट टू। एडवर्स ड्रग रिएक्शन पार्ट वन में हमने देखा कि व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। उसकी कंटिन्यूशन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसे हम कह सकते हैं कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं। उसमें है ड्रग डिपेंडेंस, विथड्रॉवल रिएक्शंस या ड्रग विथड्रॉवल रिएक्शंस, टेराटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस, और इसके बाद और भी हैं। स्टार्ट करेंगे ड्रग डिपेंडेंस। नाम से पता लग रहा है कि देयर इज डिपेंडेंस ऑन ड्रग, ड्रग चाहिए ही सही। ये दो तरीके का होता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस क्या है? ड्रग डिपेंडेंस दो तरीके का है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। लेकिन आप जानते हो कि कौन सी तरह की ड्रग्स के साथ होता है? तो ये वो ड्रग्स होती हैं विच कैन ऑल्टर मूड एंड फीलिंग्स, जैसे ओपियोइड्स, जैसे बारबिट्यूरेट्स, जैसे एल्कोहल, और इसी तरह के जैसे एलएसडी डेरिवेटिव्स, लाइसर्जिक इथाइल डाइथाइलामाइड्स, ऐसी ड्रग्स जो यूफोरिया क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो दी ज्यादा कैटेगरीज। पहला आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट में पेशेंट को बिलीफ ये होता है कि देयर वेलबींग कैन बी अचीव्ड ओनली बाय ड्रग। उसे फीलिंग रहती है कि अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो ड्रग चाहिए ही सही। उसके दिमाग में ये बैठ जाती है, ये धारणा हो जाती है। सेकेंड होता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि जब पेशेंट लंबे समय तक ड्रग ले रहा है तो उसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो थोड़ी बदल जाती है, और उस फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ड्रग चाहिए ही सही। मतलब ड्रग का कंटिन्यू होना जरूरी है। अगर ड्रग को वहां पे स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आने लग जाएंगे जिसे पेशेंट सहन नहीं कर सकता। उसी को बोलते हैं ड्रग विथड्रॉवल सिम्टम्स एक तरह से। तो फिजिकल में क्या है, देयर इज ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी बाय कंटिन्यूड यूज ऑफ ड्रग, एंड इट रिक्वायर्स देयर इज रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द सेम। ये रेड कलर का अलग है, तो आपको तो ड्रग लेनी ही है, पेशेंट ये कहता है। सो दिस इज ड्रग डिपेंडेंस। अगला आता है ड्रग विथड्रॉवल रिएक्शंस। विथड्रॉवल का मतलब ये होता है कि जो ड्रग कंटिन्यू ली जा रही है उसको रोक दिया गया। अब रोकने से क्या है, लेट अस सी। होता क्या है कि पेशेंट लंबे समय तक दवाएं लेता है और वो दवाएं कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन की फंक्शन से भी जुड़ी हुई हैं या डिजीज ठीक करने के लिए जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे उसको स्टॉप करते हैं तो वही क्लिनिकल कंडीशन प्रेसिपिटेट हो जाती है, मतलब वर्स्टनिंग हो जाती है, बेकार हो जाती है। कैसे, लेट अस सी विद एग्जांपल। इन ड्रग विथड्रॉवल रिएक्शंस व्हाट हैपेंस इज इफ द ड्रग इज स्टॉप और देयर इज इंटरप्शन ऑफ द ड्रग, there is worsening of clinical condition, and this worsening of clinical condition is called adverse drug reaction. Example के लिए, if antibiotics are taken for long time and suddenly stop, या फिर there is interruption, there are development of seizure. बहुत ज्यादा chances हैं किसके seizure development के अंदर condition और worst हो जाएगी, जबकि किसके लिए जा रहे थे antibiotics, seizures नहीं है, तो जैसे रोके सीजर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर्स व्हिच आर टेकन लॉन्ग टाइम एंड सडनली स्टॉप, देयर इज वर्सनिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। कहने का मतलब बीटा ब्लॉकर्स को अगर स्टॉप कर दिया तो एंजाइना वापस प्रेसिपिटेट हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो क्या करना है ऐसे में, देयरफॉर ग्रेजुअल विथड्रॉवल इज रिक्वायर्ड। ग्रेजुअल विथड्रॉवल का मतलब अगर ड्रग रोकनी है, बंद करनी है, तो धीरे धीरे बंद करनी होगी, धीरे धीरे डोज रिड्यूस करनी पड़ेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर। तीसरा जो एडवर्स इफेक्ट है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ये है टेराटोजेनिसिटी। पर टेराटोजेनिसिटी का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि प्रेग्नेंट लेडी को सिलेक्टेड दवाएं लेनी है, वो इसलिए क्योंकि जो भी दवा ली जाएगी प्रेग्नेंट लेडी द्वारा वो जो बच्चा पल रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यस, the fetus is also affected by the drug taken by the pregnant lady because the placenta is not an effective barrier.
टेरेटोजेनिसिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज हार्म टू द फीटस। ड्रग की वो प्रॉपर्टी जिससे फीटस को हार्म हो जाए, मतलब उस पर डैमेज हो जाए, उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। इन टेरेटोजेनिसिटी देयर इज हार्म टू द फीटस बिकॉज व्हाट एवर द ड्रग इज टेकन द प्लेसेंटा इज नॉट अ बैरियर, इट कैन इजीली क्रॉस एंड रीच टू द फीटस। अभी जो ड्रग्स हैं ये तीन स्टेज पर इफेक्ट कर सकती हैं। ड्रग्स कैन इफेक्ट एट थ्री स्टेजेस। द थ्री स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहला होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जो 0 से 17 डेज तक रहता है, और अगर इस समय कोई ड्रग ली जाती है तो देयर इज फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट गेट अननोटिस्ड। पता नहीं लगता कि प्रेगनेंसी हुई भी थी या नहीं हुई थी, क्योंकि दिन कौन से हैं? 17 डेज तक ही है। नेक्स्ट है 18 to 55 डेज। दिस पीरियड इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। और इस समय अगर टेरेटोजेनेसिस होती है सो देयर इज डिफॉर्मेशन एंड दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल पीरियड। इसी समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा टेरेटोजेनेसिटी इसी पीरियड में है। थर्ड है 56 डेज ऑनवर्ड्स, 56 दिन के बाद जो हो रहा है, दैट पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट। इन दिस पीरियड द टेरेटोजेनेसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एबनॉर्मलिटी, जिसकी वजह से देयर इज डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी टेक्स प्लेस। अब एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट तीन चार। एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोप्लेसिया ऑफ लंग, लंग्स पूरे डेवलप नहीं होंगे। ऐसे ही एनएसीआईडीज अगर लेंगे तो देयर इज प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। थैलिडोमाइड इज इफ टेकन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकोमेलिया। फोकोमेलिया का मतलब रिड्यूस लिप्स, दोनों हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, या दोनों हाथ नहीं होंगे या पैर नहीं होंगे। इट इज रिलेटेड टू थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन अगर ली जाएगी तो देयर इज डिक्रीज बोन ग्रोथ, जो ना तो बोन ग्रोथ होगी और ऐसे ही क्या है टीथ पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां कैल्शियम है वहां टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हम जानते हैं। फेनिट्रोइन इज टेकन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोसिफेली। सिफेली रिलेटेड ब्रेन से, माइक्रो का मतलब छोटा, तो फेनिट्रोइन ली तो क्या होगा, जो ब्रेन जो है आपका जो सिर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इट इज कॉल्ड माइक्रोसिफेली। इस कंटिन्यूशन में नेक्स्ट है म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। म्यूटाजेनिसिटी का मतलब म्यूटेशन कॉज हो गया, और हम जानते हैं कि अगर म्यूटेशन किसी भी चीज में हो गया तो कैंसर होता है, क्योंकि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण म्यूटेशन ही है। और कार्सिनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज कैंसर। व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर द ड्रग इज टेकन उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसमें एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसके अलावा क्या है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, वो डीएनए के साथ इंटरकैलेट करते हैं, और इंटरकैलेट का मतलब आप समझने के हिसाब से बता रहा हूं कि कोवलेंट बॉन्डिंग बन जाती है, और वो कोवलेंट बॉन्डिंग एक फिक्स जगह पर बन जाती है डीएनए से, जिससे डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, जो डीएनए बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या है ट्यूमर या कैंसर डेवलप हो जाता है। मैं मॉलिकुलर लेवल पर नहीं जा रहा हूं, एक ब्रॉड बता रहा हूं आपको। तो म्यूटेजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, there is development of mutation and cancer is developed. Why it is developed? The oxidation of drug and the metabolites, they bind covalently with DNA. These metabolites which are developed by oxidation, they are very reactive. So they are reactive species, and due to covalent binding there is mutation. Ultimately there is development of tumor or cancer. Now what kind of drugs? For example, anti-cancer drugs develop mutation and carcinogenicity. Estrogens, radioisotopes, तो hormonal drugs भी हैं, उनकी वजह से भी cancer हो जाता है। अगला है idiosyncrasy. Idiosyncrasy का मतलब एक लाइन में आप समझ लो कि ये तो वो reaction है जो आपको पता ही नहीं था। पता ही नहीं था in the sense कि majority के अंदर तो ऐसा हो रहा है, लेकिन एक आदमी के अंदर उल्टा ही हो रहा है। जैसे anti-allergic drug, वो किस लिए होती है? एलर्जी सब्साइड करने के लिए या ठीक करने के लिए, लेकिन जिस पेशेंट को दी गई उसी के अंदर एलर्जी हो गई उससे, ठीक है। तो इडियोसिंक्रेसी इट इज एन एबनॉर्मल रिएक्शन। नाउ व्हाई इट इज ड्यू टू जेनेटिक्स, मतलब एक व्यक्ति के अंदर कोई जेनेटिक्स ही ऐसा है कि एक जो रिएक्शन नॉर्मल थी मेजोरिटी इंडिविजुअल्स के अंदर वैसा नहीं था। नॉट इन मेजोरिटी बट इन इंडिविजुअल, समझ में आ गया होगा।
फॉर एग्जाम्पल बारबिट्यूरेट विच कॉज सीएनएस डिप्रेशन. हम जानते हैं कि बारबिट्यूरेट सीएनएस डिप्रेशन ही होते हैं, लेकिन किसी के अंदर क्या हुआ, एक्साइटमेंट कॉज कर दिया, तो ये अलग ही इफेक्ट हो गए. ऐसे ही क्विनिन कॉजेस डायरिया एंड अस्थमा एंड वास्कुलर कोलैप्स इन सम पेशेंट. जब क्विनिन की एक्टिविटी नहीं है, क्विनिन तो क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है. अब जो एडवर्स रिएक्शन है वो है साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट क्या है, अगर हम साइड इफेक्ट को देखेंगे तो मेन ड्रग के अलावा जो इफेक्ट है वो है साइड इफेक्ट. और इस चीज का हमें पहले से ही पता है, जैसे H1 एंटीस्टैमिनिक जो ओल्ड जनरेशन है उनका साइड इफेक्ट होता है सेडेशन. तो दवा देने से पहले ही हमें पता है इसका साइड इफेक्ट है. और यहां पर एक और काम की चीज है कि साइड इफेक्ट कभी कभी थेरेप्यूटिक इफेक्ट की तरह भी काम में लिया जाता है. हाउ कम, तो साइड इफेक्ट दीज आर द अनवांटेड इफेक्ट्स विच आर डेवलप्ड एट थेरेप्यूटिक लेवल. जो नॉर्मल डोज या जो बीमारी ठीक करने के लिए जो आप डोज ले रहे हो उस लेवल पे ही होते हैं ये. दीज आर प्रेडिक्टेबल. तो जैसा बताया ना कि जब ड्रग डेवलप हुई थी तभी हमें पता है, देने से पहले पता है. तो दीज आर प्रेडिक्टेबल एंड बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल. हमें पहले ही पता है क्या क्या एक्शन है, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज साइड इफेक्ट मे बी यूज एज थेरेप्यूटिक इफेक्ट. ये कैसे, एग्जाम्पल एट्रोपिन. एट्रोपिन का क्या एडवर्स इफेक्ट है, ड्राइनेस ऑफ माउथ. लेकिन ये ड्राइनेस ऑफ माउथ ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट यूज में आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के अंदर, क्योंकि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में इट इज डिजायरेबल दैट सीक्रेशन शुड नॉट बी देयर. तो यस, एट्रोपिन इज यूज एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है, एज एंटी सिक्रेटरी और बिकॉज इट कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड एंटी सिक्रेशन विच इज डिजायरेबल इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. जबकि ड्राइनेस ऑफ माउथ क्या है, इसका साइड इफेक्ट है. लेकिन यही साइड इफेक्ट को क्या यूज कर लिया, थेरेप्यूटिक इफेक्ट यूज कर लिया. दूसरी चीज इसी के अंदर है कि साइड इफेक्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्शन. साइड इफेक्ट डिफरेंट एक्शन पे ही बेस्ड है. भाई यहां पर तो एंटी सिक्रेटिव तो वही से हमने यूज कर ली, लेकिन यहां पर तो एक्शन ही दूसरा आ गया. जैसे प्रोमीथासिन इज एंटी एलर्जिक, लेकिन ये क्या कॉज कर रहा है, सेडेशन कॉज कर रहा है, ठीक है. इसी का तीसरा है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. कैसे, जैसे कोडिंग है, कोडिंग किस काम आता है, कफ में काम आता है. लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन. और इसी साइड इफेक्ट को यूज किया जाता है ट्रेवलर्स डायरिया के अंदर. नेक्स्ट है इसी के अंदर जो आपका साइड इफेक्ट है, डिस्कवरी ऑफ ड्रग. और कई ड्रग की डिस्कवरी भी इसी बेस पर हुई है, ड्रग का डेवलपमेंट भी इसी बेस पर हुआ है. ये देखा जाए कि ये ड्रग का साइड इफेक्ट है, लेकिन इसी साइड इफेक्ट को थेरेप्यूटिक इफेक्ट की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है. कैसे, एग्जाम्पल जो अर्ली सल्फोनामाइड्स थे, सल्फोनामाइड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, विच वर यूज एज एंटीबायोटिक्स. ये देखा गया कि उनके अंदर साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया. तो क्यों ना ड्रग डिस्कवरी कर ये जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को थेरेप्यूटिक इफेक्ट बना दिया है. तो इसीलिए लेटर स्टेजेस भी क्या है, सल्फोनिल यूरियाज वर डेवलप्ड एंड विच आर नाउडेज यूज्ड एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स. तो हाइपोग्लाइसेमिक एडवर्स इफेक्ट था, पहले पता लगा, बेसिक स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड था, उन्हीं के अंदर स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन कर नए सल्फोनिल यूरियाज डेवलप कर दिए और उनका मेन यूज अब क्या आ रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक्स. एक और एग्जाम्पल सिल्डेनाफिल, आपने वियाग्रा का बहुत नाम सुना होगा, उसके अंदर मेन कंटेंट है सिल्डेनाफिल. सिल्डेनाफिल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड विद द पर्पस टू ट्रीट एंजाइना या एज एंटी एंजाइना ड्रग. लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट था क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. अब यही एडवर्स इफेक्ट को यूज कर दिया थेरेप्यूटिक्स के अंदर. द प्रॉब्लम ऑफ इम्पोटेंस This problem can be solved by use of sildenafil. अब ये therapeutic effect use होता है और आप जानते हैं Viagra की कितनी सेल है. Next है toxic effect और secondary effect. इसका एक और example हम देख सकते हैं minoxidil. Minoxidil का adverse effect है hair growth और इस adverse effect को जब use करते हैं treatment of baldness. मतलब बाल नहीं है तो इसका क्या होता है, सॉल्यूशन आता है, बहुत फेमस सॉल्यूशंस भी हैं, मिनटॉप सॉल्यूशंस भी हैं और भी हैं. उसमें मिनोक्सिडिल को लगाया जाता है सिर पर और हेयर ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है. अगला है सेकेंडरी इफेक्ट. सेकेंडरी इफेक्ट्स आर द इफेक्ट्स विच आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इफेक्ट.
जो ड्रग का मेन इफेक्ट है उसकी वजह से दूसरे इफेक्ट डेवलप हुए, जैसे यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ने क्या किया, बाकी माइक्रोब को दबा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बॉडी के बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे, जिसकी वजह से सुपर या सुपर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर लंबे समय तक यूज करेंगे तो क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा, और अगर किसी के अंदर छिपी हुई टीबी हो, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हो गई। अगले कैटेगरी है टॉक्सिक इफेक्ट्स। टॉक्सिक इफेक्ट्स हम जानते हैं कि ये टॉक्सिक इफेक्ट तो जब आते हैं जब डोज बहुत बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट्स आर द एक्सटेंशन ऑफ एक्शन ड्यू टू ओवरडोज, मतलब एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंड दीज आर प्रेडिक्टेबल। क्यों प्रेडिक्टेबल, क्योंकि डोज रिलेटेड है, जब डेवलप हुई थी फार्माकोलॉजी हमें पता ही है पहले से ही, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज आर प्रेडिक्टेबल। एंड द मेन ऑर्गन्स व्हिच आर इफेक्टेड बाय दिस आर किडनी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स। ठीक है, अभी क्यों होता है टॉक्सिक इफेक्ट, क्यों होते हैं, तो पहला है इंक्रीज एक्शन, ज्यादा एक्शन की वजह से, जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं वो सीएनएस डिप्रेसेंट है, लेकिन ज्यादा डोज में क्या करेंगे, दे विल कॉज कोमा। दूसरा है, दूसरा एक्शन ही प्रोड्यूस हो जाता है मेन एक्शन के अलावा, डिफरेंट एक्शन इज प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर, और मॉर्फिन ओवर पॉइजनिंग में डेथ का यही एक कारण होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। तीसरा कारण है डैमेज बाय द ड्रग, ड्रग डैमेज कॉज कर देती है और कई बार वो इरिवर्सिबल भी होता है, जैसे हियरिंग लॉस कॉज बाय एमिनोग्लाइकोसाइड्स लॉन्ग टर्म यूज, एट क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाता है और क्या है, देयर इज डैमेज। इसी तरह एक और एग्जांपल है पैरासिटामोल का ओवरडोज में, पैरासिटामोल के ओवरडोज के अंदर आपका परमानेंट लीवर डैमेज हो जाता है, तो ये है आपका टॉक्सिक इफेक्ट। बात करेंगे इनटॉलरेंस की, तो कहते हैं ना कि यार तेरे को बहुत देर हो गई टॉलरेट करते हुए, तो टॉलरेट का मतलब सहन करना, उसका उल्टा क्या होगा, इनटॉलरेंस, तो इट इज कन्वर्स, इट इज अपोजिट टू टॉलरेंस। और इसकी खासियत है कि नॉर्मल डोज पे ही दवा सहन नहीं हो रही है और किसी किसी के अंदर ही हो रहा है, और कभी कभी तो इवन सिंगल डोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स रिएक्शन। सो इट इज अपोजिट या कन्वर्स टू टॉलरेंस, एंड टॉक्सिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व एट नॉर्मल डोज, एंड देयरफॉर डिक्रीज इन डोज इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल जिसके अंदर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन कॉजेज वॉमिटिंग, ठीक है, एंड एब्डोमिनल पेन इन सम इंडिविजुअल। ऐसे ही एक और ड्रग है ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, इट कॉजेज मस्कुलर डिस्टोनिया। ठीक है, कुछ डोजेस के अंदर या एक डोजेस के अंदर भी ऐसा इफेक्ट आता है, तो आपको क्या करना है, देयर इज डिक्रीज इन डोज इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। अब जो साइड इफेक्ट है उसकी बात करेंगे, यह ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस, मतलब ड्रग की वजह से ही बीमारी हो गई, इसका एक और नाम है फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीजेस या आइट्रोजेनिक इंड्यूस्ड डिजीजेस। ड्रग लेने की वजह से, लंबे समय से लेने की वजह से एक नई बीमारी डेवलप हो गई। एग्जाम्पल है फिनोथाइसिन, इफ आर टेकन ऑन लॉन्ग टर्म दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो लंबे समय तक लिए तो पार्किंसोनिज्म डेवलप हो गया, जबकि फिनोथाइसिन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अभी कैसे वो अलग बात है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर टेकन ऑन लॉन्ग टाइम दे विल डेवलप अल्सर, तो पहले अल्सर नहीं था पेशेंट को, लेकिन इसकी वजह से अल्सर डेवलप हो गया। ऐसे ही आइसोनियाज़िड विच इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इट कॉजेज हेपेटाइटिस। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना एडवर्स रिएक्शन है वो है एलर्जी। भाई एलर्जी तो आप समझते हैं हिंदी के अंदर भी, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि एलर्जी पर एक अलग वीडियो है, इसमें चार तरह के रिएक्शंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट में है। एलर्जी इट इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल, जब ड्रग दी तो पता ही नहीं था कि एलर्जी होगी, क्योंकि किसी किसी के अंदर ही होता है। और ऐसा क्यों, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम इज इन्वॉल्व, और जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं स्किन, ब्लड वेसल्स और एयर वे, जिसकी बात हो रही है, इसीलिए तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है एलर्जी के अंदर। दिस एलर्जी इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज ऑब्जर्व इन फ्यू पेशेंट्स ओनली, किसी किसी के अंदर ही होता है। और कौन सी ड्रग रेस्पॉन्सिबल है, जैसे पेनिसिलिन, जैसे सिफेलोस्पोरिन। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे स्टॉप या विड्रॉल ऑफ ड्रग, आपको एंटीस्टैमिनिक्स लेनी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेने हैं और एड्रेनलिन लेना है, ये एक जनरल है।
नेक्स्ट आता है फोटो सेंसिटिविटी. आपको नाम से पता लग रहा है फोटो का मतलब लाइट, सेंसिटिविटी का मतलब लाइट की वजह से सेंसिटिविटी हो गई, मतलब एलर्जी तरह की रिएक्शंस हो गई. फोटो सेंसिटिविटी इज अ ड्रग इंड्यूस्ड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्किन टू यूवी लाइट. ड्रग की वजह से स्किन के अंदर एलर्जी डेवलप हो गई लाइट के अगेंस्ट में. ये दो तरह की होती है, फोटोटॉक्सिक एंड फोटो एलर्जिक. फोटोटॉक्सिक कौन सी है, इसमें क्या होता है, ये ड्रग या इसका मेटाबोलाइट ये स्किन में जमा हो जाता है, वो क्या करेगा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाती है और ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन या एरिथिमा. सो आई कैन से दैट द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इट इज एक्यूमुलेटेड इन द स्किन, इट एब्जॉर्ब लाइट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिएक्शन लाइक एरिथिमा, हाइपर पिगमेंटेशन. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स आर फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन्स. फोटो सेंसिटिविटी में जो दूसरे तरह की रिएक्शन है फोटो एलर्जी, तो एलर्जी है ना, तो ये भी फोटो लाइट की वजह से एलर्जी, मतलब ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स ये क्या करेंगे, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, इसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा तो अगेन वो एलर्जी हो जाएगी. एग्जाम्पल है ग्रीसियोफर्मिन और क्लोरोक्विन. तो ये थे आपके मेन मेन आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन. मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, लेकिन बिफोर समराइजिंग अ रिक्वेस्ट इज देयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर. जो मेन मेन है देखो, ड्रग डिपेंडेंस, विड्रॉवल रिएक्शंस, टेरेटोजेनिसिटी, म्यूटेजेनिसिटी, इंटॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी, टॉक्सिक इफेक्ट्स, फोटोटॉक्सिटी, एलर्जी, साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीजेस एंड एडीआर इससे रिलेटेड है. अब इसको याद करने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, एक निमोनिक है. तो निमोनिक क्या है, आपको याद रखना है कि दावत में आईआईटी पास और फिजिशियन को एडीआर हो गया. मतलब दावत थी जी कहीं पे, उसके अंदर आईआईटी पास गया था कोई और एक फिजिशियन गया था, और दावत में जाने से क्या हो गया, उनको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गई. कैसे, देखो द ये है डी, ये व डब्ल्यू त टी एम एम म्यूटेजेनिसिटी आई इंटॉलरेंस आई इडियोसिंक्रेसी टी टॉक्सिक इफेक्ट पी फोटोटॉक्सिसिटी ए एलर्जी एस से साइड इफेक्ट एस से सेकेंडरी इफेक्ट पी से फिजिशियन इंड्यूस डिजीजेस और इससे क्या हो गया एडीआर हो गया. अब बहुत शॉर्ट में एक एक लाइन में बता रहा हूं आपको. ड्रग डिपेंडेंस मतलब ड्रग पे डिपेंडेंट हो गया पेशेंट. विथड्रॉवल रिएक्शन मतलब जैसे ड्रग को स्टॉप किया गया कुछ पेक्यूलरिटीज डेवलप हो गई पेशेंट के अंदर, जो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है फिजिकल भी हो सकती है. टेरेटोजेनिसिटी मतलब जो भ्रूण है डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज हो गई या वो डैमेज हो गया. म्यूटेजेनिसिटी मतलब म्यूटेशन हो गया या कार्सिनोजेनिसिटी से रिलेटेड मतलब कैंसर हो गया. इनटॉलरेंस मतलब ड्रग के जो नॉर्मल डोज है वो सहन नहीं हो रही, किसी किसी के अंदर ही होता है. इडियोसिंक्रेसी मतलब अलग ही तरह का रिएक्शन जो फार्माकोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, आपको पता ही नहीं ऐसा रिएक्शन किसी किसी के अंदर ही होता है. टॉक्सिक इफेक्ट जो हाई डोज पे होता है मतलब एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन. फोटोटॉक्सिसिटी आपने देख लिया. एलर्जी मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जिसकी वजह से कई रिएक्शन हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. साइड इफेक्ट जानते हो मेन ड्रग के अलावा जो इफेक्ट है साइड इफेक्ट. सेकेंडरी इफेक्ट मेन ड्रग की वजह से और कोई इफेक्ट डेवलप हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट. और फिजिशियन इंड्यूस डिजीज ये आपके सामने है. तो यस यू कैन इजीली रिमेंबर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बी इन टच, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक.